यूपी के हमीरपुर में हुए खनन घोटाले की जांच का आज दूसरा दिन हो और ऐसे में सीबीआई की टीम ने डीएम ऑफिस पहुंचकर आईएसबी चंद्रकला के उस पत्र की जांच की है जिसके जरिए 2012 में बी चंद्रकला ने सरकार से खनन पट्टों की स्वीकृति मांगी थी और स्वीकृति के बाद आईएसबी चंद्रकला ने खनन करवानी शुरू कर दी थी। ऐसे में सीबीआई ने डीएम ऑफिस पहुंचकर पत्र की सत्यता की जांच की। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम 2012 से 2014 के खनन पट्टों को आधार बनाकर मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर जनपद में 63 खनन पट्टे अवैध रूप से किए गए। सीबीआई उन पट्टों को लेकर के गंभीर हो गई है, उन पट्टों पर एफआईआर कराना चाहती है। जो पट्टे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का उल्लंघन कर जिलाधिकारी बी चंद्रकला द्वारा जो है शासन की स्वीकृत लेकर के किए गए थे वो 63 पट्टे हैं। उन 63 पट्टों के संबंध में जो स्वीकृत पत्र जो है लिया गया था वो स्वीकृत पत्र को सीबीआई प्राप्त कर चुकी है और उसी के जो है वेरिफिकेशन को करते हुए वो आगे जो है कार्रवाई करना चाहिए। हमीरपुर में हुए खनन घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है। लगातार 7वीं बार सीबीआई ने यहां पर अपना कैंप कार्यालय बनाया हुआ है। लगातार आपको बता दूं कि सीबीआई ने यहां पर 2012 से 2014 के बीच में हुए 14 खनन पट्टों की जो शुरुआती जांच थी वो सीबीआई के हाथों में हाई कोर्ट ने दी थी, जिसके बाद से लगातार सीबीआई जांच उसी आधार पर कर रही है। अब सीबीआई के हाथ में आज एक पत्र लगा हुआ है जो कि बी चंद्रकला ने 2012 के दौरान अनुमति सरकार से मांगी थी। उसी पत्र की जांच के लिए आज सीबीआई ने हमीरपुर डीएम कार्यालय में यहां पर दस्तावेज खंगाले थे। साथ ही उन्होंने जांचा यहां पर की कि वो पत्रांक और वो पत्र यहां से स्वीकृत किया गया था कि नहीं किया गया था, इस बात को लेकर भी सीबीआई लगातार यहां पर जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि इसी दौरान सीबीआई ने करीब 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें रमेश मिश्रा एमएलसी समेत आईएसबी चंद्रकला सहित करीब 11 लोग शामिल हैं। आपको बता दूं कि सीबीआई इसी पत्र के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत करने जा रही है। विकास परवार, हमीरपुर, R9 TV।